वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। कांग्रेस पार्टी के जो छह वादे थे, छह वादों में से दो वादे मुकम्मल हो चुके हैं। एक खातीन को जो बसों से आरटीसी के वो फ्री में है, और दूसरा आरोग्यश्री कार्ड जो 5 लाख का था वो 10 लाख का हो चुका है, उसकी लिमिट 10 लाख की है। ये कांग्रेस पार्टी का जद्दोजहद है, ये कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर है तेलंगाना के, ये उनकी मेहनत है जो आज कांग्रेस पार्टी स्ट्रांगली तेलंगाना में अपनी हुकूमत बनाई। हम शुक्रगुजार हैं तेलंगाना की आवाम का भी जो कांग्रेस पार्टी को इख्तदार में लाए। चंद दिनों से ये देखा जा रहा है कि हंसी आ रही है कि मामू के भांजे निकल चुके हैं, निकल के ये कह रहे हैं कि हमारी स्कीम है, हम लाए, हम ये करें, हम टिकट बांटने लग रहे कंडक्टरों में घुस के बसों में। तो ये लोग भूल चुके हैं, ये लोग एक वक्त पे ये बताए थे कि कांग्रेस पार्टी एक आरएसएस की मां है और रेवंत रेड्डी साहब एक आरएसएस के एजेंट है। समझ में नहीं आ रहा ये लोग कैसे ये चीज भूल चुके हैं। चलो हमें इससे ये पता चला कि कांग्रेस पार्टी है क्या, कांग्रेस पार्टी कितनी स्ट्रांग है। जो लोग हमारे खिलाफ बोलते थे वो लोग आज ही हमारे सीएम के रेवंत रेड्डी साहब के बैनर लेके ठहरे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है। अब हम कांग्रेस पार्टी के जो पुराने शहर के जो वर्कर्स है, हम सब मिलकर बहुत स्ट्रांगली तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे, और हमारा ये इरादा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पार्टी ऑफिस बनाएंगे, और जितने भी स्कीमात है इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी के वर्कर ही, छोटे से बड़े से वर्कर ही मिलकर बांटेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय तेलंगाना, जय कांग्रेस।